फिलहाल मेरे जूजू और मेरी दीदू के देसी बॉय के बीच में फाइट चल रही है। वजह बस यही है कि दीदू को मैं प्रूफ करना चाहती हूँ कि मेरे जूजू स्ट्रांग है, और राहुल को ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, इसके लिए वो प्रूफ करना चाहता है कि वो ज़्यादा स्ट्रांग है ताकि उसे प्रमोशन मिल जाए। तो दोनों के अलग अलग रीजन्स हैं लड़ने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ ऑब्वियसली मेरे जूजू जीते और दीदू चाहती है कि उसके देसी बॉय जीते। बिल्कुल वो सस्पेंस है कि ये सडनली कैसे उड़ने लगते हैं, क्योंकि जब राहुल उड़ता है तब मैं शौक हो जाती हूँ, और जब जूजू उड़ते तो मैं शौक हो जाती हूँ, जब राहुल उड़ते तो दीदू शौक हो जाती है। तो ये एक सस्पेंस है जो आपको देखना पड़ेगा। हमारे कारण नहीं हो रही, ये हो रही है हमारे जिया और जीनी की वजह से। वो उसको जिताने की कोशिश कर रही है और मुझे जिताने की जिया कोशिश कर रही है, और बीचों बीच हम दोनों ही मार खा रहे हैं। अभी ऐसा ही हो रहा है। इतने हमारी वाट लग गई है सुबह से, हम उड़ उड़ के मुक्के मार मार के, और जोश जोश में तो बहुत इधर उधर हाथ हिला रहे हैं। अभी अभी डर सिर्फ कल के लिए, कल हम कैसे उठेंगे, हम उठ भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कैसे उठेंगे, हड्डियाँ आवाज़ हो रही है। मजे की बात यह है कि ये खून जो है वो लड़ाई में नहीं निकली है, ये हमारे जो डॉक्टर जो रेफरी थे उनका उनके नाखून से ये लग गया है और इंजर्ड हो गए। पर कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड बॉक्सिंग। अभी तक इवन ही चल रहा है, 50 मैंने मारे, 50 इन्होंने मारे, अभी ये दो और लगे, 52 हो गए। लेकिन अब मेरा जो मेन वेपन है, सीक्रेट वेपन, वो आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि राहुल भारी पड़ेगा। बट क्या राहुल धोएगा अभी? राहुल धोएगा। जीनी जूजू है, जब तक जीनी कोई हरकत करेगी नहीं, जूजू को तंग नहीं करेगी, तो शो आगे जाएगा। इट्स ऑल अबाउट दैट।